हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक ऐसे क्वेश्चन पे है जो कि हाल ही में ऐड हुआ है, यानी पिछले एक दो साल में ही आपको ये क्वेश्चन ऐड हुआ है आपके कोर्स में, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने बुक्स में जनरली देखने को नहीं मिलते क्योंकि ये नया नया ऐड हुआ है, तो बुक्स में भी ये क्वेश्चन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो हार्डली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन है और इसके बोर्ड में आने की चांसेस भी बहुत है, इन 6 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने की चांसेस है इसमें। सो क्या है वो क्वेश्चन, कैसे करते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। गाइस, हो सकता है आपने ये क्वेश्चन पहले किया हो, और अगर नहीं किया तो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आने के चांसेस है। सो गाइस देखो, सपोज द डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय द फॉलोइंग टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। QD इक्वल्स टू 200 माइनस P एंड QS इक्वल्स टू 50 प्लस 2P। फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। सेकंड, सपोज दैट द प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज चेंज्ड रिजल्टिंग टू न्यू सप्लाई कर्व, रिजल्टिंग द न्यू सप्लाई कर्व इज गिवन बाय QS डैश इक्वल्स टू 80 माइनस 2P। एनालाइज न्यू इक्विलिब्रियम अगेंस्ट ओल्ड। कई जो ये क्वेश्चन है वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और कौन से चैप्टर का है गाइस, ये क्वेश्चन लास्ट चैप्टर का है, अपना प्राइस डिटरमिनेशन का है ये क्वेश्चन। अब क्या है वो यहां समझना, मैं यहां समझाने वाला हूं, गाइस सुनना। सपोज द डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय द फॉलोइंग टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, यानी कोई भी कमोडिटी है जिसकी डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी है। अब ये क्या है गाइस, हमने पढ़ा था एक लीनियर डिमांड फंक्शन और लीनियर सप्लाई फंक्शन, याद हो तो आपको मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था, याद है QD इक्वल्स टू A माइनस BPX ऐसा कुछ था, और QS इक्वल्स टू A प्लस BPX, जहां पे A मतलब डिमांड एट जीरो, इसमें भी A मतलब सप्लाई एट जीरो, PX मतलब प्राइस, और B मतलब स्लोप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ये हमने पढ़ाया हुआ है गाइस आपको पहले, अगर आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लो। अब क्या है, इसने बोला है कि भाई डिमांड और सप्लाई कर्व जो है वो एक इक्वेशन के, ये एक कमोडिटी के, ये हमें पता लगाना है फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, हमें इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बताना है। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन मार्केट, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था प्राइस डिटरमिनेशन में इक्विलिब्रियम कब मिलता है। The equilibrium is achieved at a point at which the demand of a commodity is equal to its supply. यानी कि एक ऐसे पॉइंट पे मिलेगा जहां पे QS और QD दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। यही होता है, हमने पढ़ा था डायग्राम, आपको याद हो तो ये वाला, डिमांड और सप्लाई जहां मीट कर जाते हैं वहीं हमको इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, तो पहले का आंसर निकालना है हमें, प्राइस और क्वांटिटी निकालनी है हमें। एक कंडीशन हमने पता लगा ली, क्या कंडीशन है कि भाई अगर इक्विलिब्रियम है तो डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे, तो हम इन दोनों को बराबर रख के प्राइस की वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना आने वाला है। तो देखो, दोनों को बराबर रखा, क्वांटिटी कितनी है 200 माइनस पी इक्वल्स टू 50 प्लस 2P। ठीक है, हम पी को यहां ले जाते हैं, तो ये देखो 50 यहां गया, प्लस का 50 था तो ये हो गया माइनस का 50, यहां 2P पहले से था या माइनस की प्लस जाके हो गया प्लस का पी, तो 150 इक्वल्स टू 3P, सो पी इक्वल्स टू 150 बाय 3, यानी कि प्राइस कितना आ गया आपका 50 रुपए, प्राइस कितना आ गया 50 रुपए, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। अब क्वांटिटी निकालनी है, सो गाइस याद रखो क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, तो भले ही हम क्वांटिटी डिमांड निकालें या क्वांटिटी सप्लाई निकालें दोनों सेम आने वाले, भले ही आप निकाल के ट्राई कर लो। ठीक है, हम पी प्राइस आपके चेक कर लेते हैं, तो क्वांटिटी डिमांड निकाल लेते हैं क्योंकि इजी लग रहा है, 200 माइनस पी, सो क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू 200 माइनस 50, सो क्यूडी इक्वल्स टू 150। समझ आया, पहला पार्ट सिंपल था, हमें क्या बताया इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल लिया हमने, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल ली क्योंकि इक्विलिब्रियम गिवन है तो हमने डिमांड और सप्लाई को साथ में रखा। अब बात आती है, ये तो समझ में आ गया, अब बात आती है इसको आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, ध्यान समझना, मैं आंसर को रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूं, फिर आपको सेकंड ईयर मिटा के हम सेकंड पार्ट करेंगे। देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है, आंसर लिखा हमने, आंसर की स्टार्टिंग करी, सिंस we have to find the equilibrium price and quantity, and yahan upar likhna hai, since we have to find the equilibrium price and quantity
and the equilibrium is achieved, yeah, equilibrium can be achieved at a point at which the quantity demand of a commodity is equal to quantity supply. ये पूरी लाइन लिख ली कि इक्विलिब्रियम वहां मिलता है जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है. सो QD इक्वल्स टू PS, ठीक है. उसके बाद यहां लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैक्स करिए ना आपने, तो ये मैक्स के टाइप का क्वेश्चन है. ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, यहां आ गया P इक्वल टू 50. तो इसके बाद एक लाइन में लिखना है इक्विलिब्रियम प्राइस इक्वल टू 50, ठीक है. नेक्स्ट टू फाइंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये लिखा सॉल्व करा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आ गई 50, ठीक है. तो पहले का आंसर तो आपका आ गया, 3 मार्क्स का हो गया पहला, कि भाई प्राइस इतना है क्वांटिटी इतना है, इससे आपका करीब आधे से ज्यादा पेज भर जाएगा. आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम याद रखते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट इसका अरेंज करते हैं. देख मैं मिटा देता हूं, बस काम की चीज जो हमारी आई है वो मैं यहां लिख देता हूं. प्राइस आई थी हमारी 50 और क्वांटिटी आई थी हमारी 150, ठीक है. अब देखो आगे बढ़ते, आगे क्या बोला है. सपोज द प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इंक्रीज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस है वो चेंज हो गया है, रिजल्टिंग न्यू सप्लाई कर्व इज गिवन बाय दिस, जिसकी वजह से सप्लाई बदल गई. प्रोडक्शन में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कुछ चेंज आया, हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई पड़े हैं, ठीक है. सो कॉस्ट में कुछ चेंज आया, कम या ज्यादा हुई, जिसकी वजह से जो हमारी सप्लाई है वो बदल चुकी है. सप्लाई क्या है, बदल चुकी है, और नई सप्लाई क्या हो गई है, ये हो गई है. सो न्यू सप्लाई वुड बी क्यू एस डैश इक्वल्स टू ए टी प्लस 2P. ये है हमारी न्यू सप्लाई. अब देखो एनालाइज न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन अगेंस्ट ओल्ड, हमें न्यू इक्विलिब्रियम निकालना है, फिर उसको कंपेयर करना है कि वो ओल्ड से किस तरीके से अलग है. अब यहां देखो क्वांटिटी आ गई, अब इसने डिमांड पे कोई इंपैक्ट शो नहीं करा है, तो हम डिमांड क्या लेते हैं, ओल्ड वाली की डिमांड को अज्यूम कर लेते हैं. सप्लाई बदली है, डिमांड नहीं बदली. अब न्यू इक्विलिब्रियम निकालना है तो वही सेम प्रोसेस हमारा आ जाएगा, क्या कि क्यू डी इक्वल्स टू क्यू एस होगा, अब की बार क्यू एस डैश होगा, तो 200 माइनस पी इक्वल्स टू 80 प्लस 2P. इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो ये हुआ 120 इक्वल्स टू 3P, तो प्राइस इक्वल टू 40. कितना आया गाइस प्राइस, 40 रुपए. प्राइस कितना आ गया, 40 रुपए. समझ में आया, क्वांटिटी निकालनी है, किसी में भी रख दो, क्यूडी में रख दो, बल्कि क्यूएस में रख दो, आ जाएगा 200 माइनस पी, यानी कि 200 माइनस 40 इक्वल्स टू 160. तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, 160. लिखना कैसे है, उसी तरीके से लिखना है, सिंस द सप्लाई इक्वेशन हैज चेंज, द न्यू सप्लाई इक्वेशन इज दिस, बट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी रिमेन सेम, या डिमांड द इक्वेशन ऑफ डिमांड रिमेन सेम. द इक्वेशन ऑफ डिमांड लिख दी, टू फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल QD इक्वल्स टू QS इज अज्यूम, ठीक है. उसके बाद यहां पुट करा, प्राइस निकाला, क्वांटिटी निकाली. अब हमारा आंसर यहां खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि न्यू इक्विलिब्रियम निकालो, वी हैव टू कंपेयर इट विद ओल्ड. हमें ये पता करना है कि ओल्ड से किस तरीके से अलग है. तो मैं ओल्ड वाला यहां लिख देता हूं, देखो उसको मिटा के, प्राइस 40 क्वांटिटी 160, प्राइस 40 क्वांटिटी 160. अब देखो भाई सिंपल है, बस इसको दिखाना है क्या है. ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड एंड द प्राइस हैज डिक्रीज. प्राइस कम हो चुका है और क्वांटिटी बढ़ चुकी है, एज प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी बढ़ रही है. ये हमारा आंसर हो जाएगा. एनालाइज कर लिया क्या, ड्यू टू रिजल्टिंग चेंज The quantity of the commodity in the market has increased. The equilibrium quantity has increased from 150 to 160. Whereas, यहाँ points में लिखना है. पहला point, due to change in factor, यहाँ लिखा पहले, देखो कैसे लिखना है. Due to change in price of factor of production, the equilibrium quantity has increased from 150 to 160. Whereas the equilibrium price has decreased from 50 to 40. ये हो गया दोनों का comparison. पूरा आपको लिखना है point. समझ आ गया? ये आपका हो गया complete 6 नंबर का question, जो कि गाइस जनरली एड अप हुआ है. हमने पहले ही बताया आपको कि इस चैप्टर में से मार्केट इक्विलिब्रियम में से कुछ ऐसा आता है कि भाई चेन इफेक्ट बताओ इंक्रीज इन डिमांड के,
ये चेन इफेक्ट बताओ डिक्रीज इन डिमांड के उस टाइप का आता है, पर जनरली ये नया क्वेश्चन इन्वॉल्व होकर आया है हमारे पिछले एक दो सालों में, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, यहाँ से नहीं आया है, ये आप आगे फ्यूचर में पढ़ोगे जब डिमांड इक्वेशन स्लोप वगैरह काफी डीप में जाओगे, जब मोर देन टू गुड्स पढ़ोगे तब ये डिमांड सप्लाई की इक्वेशन इतनी यूज में आती है, तो वहां से इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया है, पर क्वेश्चन काफी अच्छा है, समझने वाला है, दिमाग लगाने वाला है। सो गाइस ये था हमारा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि हाल ही में ऐड हुआ है और आपके बोर्ड में आने की संभावना है। सो गाइस इट्स फॉर टुडेज वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हमारी दो बुक्स है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि रिलेटेड है क्लास 12 की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इन योर ओन वे। सो गाइस यू कैन परचेज इट थ्रू अमेज़न, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीप ऑन वॉचिंग।